आइए दोस्तों आपको बता देते हैं कि थालापति विजय सर की लियो मूवी और जवान मूवी और साथ में बात करेंगे टाइगर 3 मूवी के बारे में। आइए बताते हैं कि ये तीनों मूवी अब तक कितना कलेक्शन कर चुकी है। थालापति विजय सर की फिल्म लियो को आज बॉक्स ऑफिस पर लगे हुए 17 दिन पूरे हो रहे हैं और ये फिल्म अपने 17 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कलेक्शन कर रही है। फिल्म के कलेक्शन दिन व दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, तो आज हम बात करने वाले हैं फिल्म लियो के 17 दिनों के इंडियन और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में। तो थालापति विजय सर की फिल्म लियो जिसे लोकेशन कनगराज के डायरेक्शन में बनाया गया है और इस फिल्म में विजय सर के साथ में हमें संजय दत्त देखने को मिल रहे हैं। इस फिल्म को भी सिनेमा घरों में हो चुके हैं 17 दिन। फिल्म ने पहले हफ्ते में भी रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन किया तो दूसरे हफ्ते में भी फिल्म के कलेक्शन बढ़िया आए और तीसरे हफ्ते में भी इस मूवी ने जो होल्ड बना के रखा है वो काफी कमाल का है। जी हाँ, आपको बता दें कि हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नाडा 5 भाषाओं में रिलीज हुई लियो फिल्म ने हिंदी मार्केट से भी तगड़ी कमाई की और 5 भाषाओं में कलेक्शन तो फिल्म की लाजवाब हो चुकी है। सबसे पहले अगर बात करें हिंदी कलेक्शन की तो लियो फिल्म ने 2 हफ्तों के अंदर हिंदी नेट कलेक्शन 29,27,00,000 रुपए का किया था। वही तीसरे शुक्रवार फिल्म का हिंदी कलेक्शन 68,00,000 रुपए का रहा। तो आज यानी कि तीसरे शनिवार लियो हिंदी मार्केट से लगभग 90,00,000 रुपए कमा रही है। इसी के साथ थालापति विजय सर की लियो का अब तक का हिंदी नेट कलेक्शन 30,85,00,000 रुपए का हो रहा है। तो वही हिंदी ग्रास कलेक्शन 36,72,00,000 रुपए। लेकिन अगर बात करें लियो के सभी भाषाओं के टोटल कलेक्शन के बारे में, थालापति विजय की फिल्म लियो ने शुरुआती दो हफ्तों के अंदर ऑल लैंग्वेज इंडिया नेट कलेक्शन 344,30,00,000 रुपए का किया था। वही तीसरे शुक्रवार यानी कि कल इस फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 2,16,00,000 रुपए का रहा था। बात करें आज यानी कि तीसरे शनिवार की, तो आज शनिवार की वजह से फिल्म की मॉर्निंग वाले शो में तो कल जैसी ही रही, लेकिन फिल्म को आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट शो में जो बुकिंग काफ़ी बढ़िया मिल चुकी है। तो जो रिपोर्ट अभी तक आई है उसके मुताबिक फिल्म आज यानी कि अपने तीसरे शनिवार इंडिया नेट कलेक्शन 3,50,00,000 रुपए का कर रही है और इसी के साथ थालापति विजय सर की फिल्म लियो का शुरुआती 17 दिनों में इंडिया नेट कलेक्शन हो रहा है 349,96,00,000 रुपए। तो इंडिया ग्रोस कलेक्शन 416,50,00,000 रुपए। बताना चाहूँगा दोस्तों फिल्म और सिक्स मार्केट यानी कि विदेशों में 188 करोड़ रुपए कमाई है। इसी के साथ थालापति विजय सर की फिल्म लियो का 17 दिनों के अंदर वर्ल्ड वाइड ग्रास कलेक्शन 604,50,00,000 रुपए का हो रहा है। जी हाँ, फिल्म 17 दिनों में दुनिया भर से 604 करोड़ की कमाई कर रही है। फिल्म ने 600 करोड़ का आंकड़ा तो पार कर दिया है। अब देखते हैं कि ये फिल्म कितना आगे जाती है। आइए अब वही जवान मूवी के बारे में आपको बता देते हैं। आपको बता दें कि शाहरुख खान की एक तरफ आने वाली फिल्म डंकी की चर्चा तो है, एक तरफ जवान ने बॉक्स ऑफिस पर अपने 59 दिन शनिवार को पूरे कर लिए हैं। ऐसे में फिल्म अभी भी बॉक्स ऑफिस पर बनी हुई है। जवान 7 सितम्बर को थिएटर पर रिलीज हुई थी और तब से कितनी फिल्में आई और गई पर जवान टस से मस नहीं हुई। हालांकि जवान अब ओटीटी पर भी रिलीज हो चुकी है, फिर भी बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों तो नहीं पर लाखों में कमाई अभी जारी है। साइंस ने अल्टी ट्रेंड के अनुसार जो जवान की शनिवार 59वें दिन आंकड़े जारी किए हैं उसके स्पष्ट होता है कि जवान अभी भी शानदार कमाई करती जा रही है। साइंस ने ट्रेंड के अनुसार बताया है कि जवान ने शनिवार रिलीज के 59वें दिन भी वधार कमाई की है। फिल्म ने 4 नवंबर शुक्रवार को 1,00,000 का कलेक्शन किया है, पर यह बड़ी बात है कि फिल्म 59वें दिन तक भी बॉक्स ऑफिस पर टिकी हुई है। वही जवान की कुल कमाई 641.06 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है और वर्ल्ड वाइड फिल्म ने 1146 करोड़ का कलेक्शन किया है। बता दें कि जवान शाहरुख खान की साल 2023 की दूसरी बड़ी हिट फिल्म है। ये फिल्म ज्यादा तो नहीं पर 10 से 15 थिएटर में लगी हुई है। दिल्ली हो या जयपुर, फिल्म को देखने वाले हर शहर में हैं। अब शाहरुख खान की अगली फिल्म डंकी 22 दिसंबर को रिलीज होने वाली है। अब आइए वही सलमान खान की मूवी टाइगर 3 के बारे में बात कर लेते हैं। आपको बता दें कि देश भर में दिवाली की तैयारी शुरू हो गई है। ये त्यौहार बॉक्स ऑफिस के लिए भी काफी अहम माना जाता है। दिवाली में कई सुपरस्टार की फिल्म रिलीज हुई है जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचा है। हालांकि कोविड के बाद से फिल्म एंट्री में दिवाली फीकी रही है। साल 2020 में कोविड के कारण कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई थी। साल 2021 में दिवाली के मौके पर सूर्यवंशी रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने
190 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। इसके बाद साल 2022 में राम सेतु ने निराश किया था। साल 2023 में सलमान खान की टाइगर 3 रिलीज हो रही है। ऐसे में फिल्म इंटरेस्टिंग और ट्रेंड पंडितों और उम्मीदें हैं कि टाइगर 3 बॉक्स ऑफिस का 2 साल का सूखा खत्म करेगी। टाइगर 3 12 नवंबर 2023 को रिलीज होगी। ट्रेंड एनालिस्ट सुमित कादेल के मुताबिक सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 पहले दिन 30 से 40 करोड़ रुपए की रेंज में कमाई करेगी। सलमान खान के स्टारडम और टाइगर फ्रेंचाइज की ब्रांड वैल्यूम के कारण फिल्म ज्यादा भी कमाई कर सकती है। वही अगले दिन 60 करोड़ रुपए के कलेक्शन कर सकती है। 8 दिन में टाइगर 3 भारत में 350 करोड़ रुपए नेट कमाई कर सकती है। पहले हफ्ते फिल्म की कमाई पठान से और जवान की तरह होगी। वैसे आपको इन तीनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म पसंद आई हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बाय बाय बउआ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।